नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भरद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सूर्य अपने मित्र के राशि में मतलब धनु राशि में प्रवेश करेंगे 30 दिनों के लिए, तो क्या हलचल होगी आपकी राशि में। मेष से लेके मीन तक की राशि का पूरा हाल आपके साथ लेके आया हूं, आपको जानकारी देने के लिए लेके आया हूं। लेकिन यदि आप कोई प्रश्न लेना चाहते हैं, आपके मन मस्तिष्क में कोई प्रश्न चल रहा है, चाहे वो आपके परेशानियों से संबंधित, चाहे आपकी जन्म कुंडली से संबंधित या आपके वास्तु से संबंधित, तो आप जाएं www.astrotak.com पे। वहां पे विनोद भरद्वाज प्रोफाइल को सेलेक्ट करके अपना प्रश्न भेज दें, हम आपके प्रश्न को लेंगे और एक सुंदर सा उपाय आपके उन परेशानियों का को खत्म कर देगा। वहां से आप हमसे फोन से बात भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं धनु राशि में सूर्य का प्रवेश। 15 दिसंबर 2020 रात को 9:33 पे सूर्य धनु राशि में पहला पैर रख देंगे, तो पहला पैर रखते ही खर मास का प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि खरमास कहा जाता है बृहस्पति, एक तरह से मांगलिक कार्यों के सूचक होते हैं। बृहस्पति की पहली राशि है धनु, वहां पे सूर्य आके अपना अधिकार जमा लेते हैं, अग्नि तत्व में उनको प्रवर्तित कर देते हैं, इसलिए इसे खरमास कहा जाता है। इसमें मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, शादी विवाह गौन मुंडन छेदन कुछ भी नहीं होता है, सब एक महीने के लिए स्थगित हो जाता है। तो इस खरमास में आप मांगलिक कार्य बिल्कुल मत करिएगा। अब बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि को देखते हैं तो पंचम भाव में गोचर हो रहा है, तो पंचम भाव संतान का है, संतान की ओर से कुछ खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि सूर्य संतान का द्योतक है। परंतु प्रेम संबंधों में थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बुद्धि दिमाग से यदि आप कार्य करेंगे तो धन का लाभ भी होगा। आप लाल रंग का टीका एक महीने तक निश्चित रूप से लगाएंगे तो आर्थिक उन्नति के रास्ते खुलेंगे। अब वृषभ राशि की बात करते हैं, क्योंकि खष्टम भाव में है तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। कहां से दिक्कतें आएंगी? शत्रु से, थोड़ा सा मुकदमेबाजी भी हो सकती है। परंतु बात विवाद पे नियंत्रण करना होगा, अनावश्यक मुंह खोला भक बाहर बहुत सारी दिक्कतें फैल सकती हैं, आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इसलिए सूर्याय नमः इस महामंत्र का रोज 7 बार पाठ करेंगे तो सूर्य का प्रभाव अच्छा हो जाएगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि में सप्तम भाव में होगा गोचर, तो जीवन साथी का भाव है, जीवन साथी के साथ थोड़ी सी स्थितियों को अच्छा बनाने का प्रयास करें, क्योंकि सूर्य जब जब आता है यहाँ पे सप्तम भाव में, तब तब दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल कर देता है, इसलिए थोड़ा सा संयम और प्रेम से काम लेने की आवश्यकता है। यदि आपका संयुक्त व्यापार है तो उसमें लाभ के अवसर होंगे। कार्यों को पूरे जिम्मेदारी के साथ यदि आप निर्वाह करेंगे तो कार्य सिद्ध होंगे। ओम सूर्याय नमः इस महामंत्र का पाठ करें, निश्चित रूप से सूर्य का अच्छा प्रभाव दिखेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि में अष्टम होगा गोचर, तो अष्टम में होगा तो वाहन आदि थोड़ा सा सावधानी पूर्वक चलाएं, अनावश्यक बात विवाद से आपको बचने की आवश्यकता है। और छात्रों के लिए, जो छात्र जो रिसर्च पे काम कर रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज आ सकती है। थोड़ा सा गुड़ खा करके आप अपनी दिनचर्या को प्रारंभ करेंगे तो सूर्य अच्छा होगा। अब बात करते हैं नवम अर्थात सिंह। सिंह में नवम गोचर होगा, तो नवम में गोचर होगा तो थोड़ा धर्म के प्रति आस्थावान रहने की जरूरत है। अनावश्यक धन खर्च करने से आप बचें, व्यर्थ बात विवाद से भी बचने की आवश्यकता है। सूर्य सहस्त्र नाम का या सूर्य सत नाम का पाठ करके या सूर्याय नमः इसका पाठ करके आप अपने जीवन को संवार सकते हैं।
अब कन्या राशि पे आते हैं, तो कन्या राशि मतलब मकर राशि में रहेंगे गोचर, तो वहां पे राजतंत्र से कुछ लाभ की संभावनाएं हैं। साथ ही साथ आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा, ऐसा प्रभावी व्यक्ति मिलेगा जो आपकी सहायता करेगा। किसी राजनेता से भी अच्छे संबंध हो सकते हैं, वहां से भी आप लाभ कमा सकते हैं। ओम सूर्याय नमः इस महामंत्र का पाठ करें, भगवान सूर्य की आराधना करें, आदित्य स्तोत्र का पाठ करें, सब अच्छा से अच्छा होता चला जाएगा। अब बात करते हैं तुला राशि की, क्योंकि तुला राशि पे एकादश में होगा गोचर, तो आर्थिक स्थितियां अच्छी होंगी, परंतु प्रेम संबंधों में थोड़ी सी खटास आ सकती है। ध्यान से यदि आप कार्य को संपन्न करेंगे तो अर्थ भी कमा सकते हैं, बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए धन के लिए। आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अगर आप संपन्न करेंगे तो धन अपने आप आता चला जाएगा। अब बात करते हैं अगली राशि वृश्चिक की, तो क्योंकि द्वादश भाव में होगा गोचर, तो थोड़ा सा धन खर्ची से आपको बचना होगा, अनावश्यक की यात्राओं से थोड़ा सा दूरी बनाना होगा। साथ ही साथ भोगवादी प्रवृत्तियों में यदि आप घुसते चले जाएंगे तो स्वास्थ्य अस्थिर होगा, मन दुखी होगा। तो क्या करना चाहिए? आदित्य हृदय स्त्रोत्र का पाठ और माता लक्ष्मी की आराधना आपके लिए श्रेयकारी होगी। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि में एक तरह से लग्न में ही होगा, तो मन को स्थिर रख करके अपने कार्यों पे निगाह रखने की जरूरत है। दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन में उथल पुथल ना हो, इसकी जिम्मेदारी आपकी है, उसे आप संवारें तो अच्छा होगा, अन्यथा दिक्कतें बढ़ सकती हैं। साथ ही साथ क्रोध यदि आए तो शांत रखने का प्रयास करें और मन को अपने लक्ष्य पे रखें, भटकाएं नहीं। ओम सूर्याय नमः इस महामंत्र का 11 बार पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का यदि आप पाठ करते हैं तो सब कुछ अच्छा होगा, भगवान सूर्य नारायण आपकी सहायता करेंगे। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि पे दूसरे स्थान में होगा, तो बड़बोलेपन से आपको बचने की आवश्यकता है। अनावश्यक किसी को सलाह देने से दूरी बनाए, खान पान से यदि आप दूरी नहीं बनाते हैं तो पेट की समस्याएं आपके साथ उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन धन प्राप्ति के आपके साधन खुलेंगे। ओम सूर्याय नमः, ओम खेचराय नमः इस महामंत्र का 7 बार नित्य पाठ करें, भगवान सूर्य की अनुकंपा कृपा मिलेगी और जो है यह राशि गोचर आपके लिए अच्छा होगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि, तीसरे भाव में पराक्रम स्थान पे होगा, तो पूरी मेहनत के साथ कार्य करने की आवश्यकता है, बहुत जल्दबाजी दिखाने की कोशिश ना करें, अन्यथा कार्य अव्यवस्थित हो सकता है। आपका भाग्य भाव आपका साथ दे रहा है, प्रेम पूर्वक कार्य को करें और भगवान सूर्य की आराधना करें, अर्घ दें, सब कुछ अच्छा होगा। अब बात करते हैं मीन राशि की, तो मीन राशि पे नंबर चौथे भाव में गोचर होगा, तो जमीन जायदाद का सुख प्राप्त हो सकता है, वाहन का सुख प्राप्त हो सकता है, परंतु माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और सूर्याय नमः और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके देखें, भगवान सूर्य नारायण की अनुकंपा कृपा बनेगी, आपका जीवन खुशहाल होगा। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके हमें आप जो बताइए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।